खनिज विभाग बना मौन, थम नहीं रहा गुना जिले में अवैध उत्खनन। गुना जिले में रेत का अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। रेत ठेकेदार अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे हैं, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को है, लेकिन जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसको अपनी मौन स्वीकृति भी दिए हुए है, तभी ज्यादातर अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला कैंट के मुक्ति धाम के सामने माता मंदिर पर हुआ, जहां कुछ रेत विक्रेताओं ने अवैध रूप से निकाली जा रही रेत का एक डंपर वहां पर पकड़ लिया। जब ड्राइवर से पूछा गया तो उसने बताया कि डंपर की रॉयल्टी नहीं है। बाद में ड्राइवर कहता है कि रॉयल्टी है, लेकिन असल में जब ऑनलाइन इसकी जानकारी निकाली गई तो डंपर की जानकारी इनवैलिड बताई गई। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इंद्रपाल। हाँ जी, इंद्रपाल। इंद्रपाल, ये डंपर आप बगैर रॉयल्टी के चला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? बगैर रॉयल्टी का नहीं चल रहा। रॉयल्टी रॉयल्टी कहाँ है, दिखाइए फिर। सेट कौन है इसका? पुष्पेंद परमार। आपका कहना है कि रॉयल्टी है इसकी, तो कहाँ है दिखाइए लाई। इधर जवाब दीजिए भैया। तो यहाँ ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो अनवैलिड आ रहा है आपका डंपर। ऑनलाइन रिकॉर्ड कहाँ है? ऑनलाइन का रिकॉर्ड हम दिखाते हैं आपको। वो नहीं है, तो ना पढ़े ना लिखे। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपका कहना है ये। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी सूचना दी गई, उन्होंने संबंधित खनिज अधिकारी को मौके पर पहुंचने को कहा, परंतु खनिज अधिकारी के मौके पर पहुंचने से पहले ही ये खबर रेत के ठेकेदार तक जा पहुंची और ठेकेदार तुरंत अपने दल बल के साथ वहां मौके पर पहुंच गया। 1500 की बात करी, 1500 में कोई बात आवे कभी भाई जरा बोल लगाएगा एकदम पर। मैं कौन बोल लगा आग मांग लगाने की नहीं है। अरे 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 तो सुन नहीं दे रहा। आग मांग लगाने की नहीं है। गलत कोई नहीं, गलत कौन बोले हो? आप बोलो बोलो आपको क्या कहना है। आग मांग लगाने की क्या नाम है शर्मा जी आपका? भाई साहब मेरा नाम हरिकृष्ण चौबे है। क्या व्यवसाय है आपका? मेरा व्यवसाय साहब रेत बेचता हूँ मैं ट्रॉली में। अच्छा, ये बगैर रॉयल्टी के ये डंपर जा रहा है, ये किस तरीके से वैध है? क्या अवैध है? ये तो अवैध है साहब, डंप पनडुब्बी से भरे जा रहे हैं ये तो। कहाँ से भर के ला रहे हैं? ये पिपरौदा खुर्द वगैरह इधर से भर के आ रहे हैं। अच्छा, कौन कौन चला रहा है पनडुब्बियाँ? पनडुब्बियाँ साहब ये ठेकेदार चला रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का विजय बिल्ड कौन के नाम से है कोई कंपनी। अच्छा, तो ये प्रशासन कोई कार्रवाई करता है कि नहीं? प्रशासन तो साहब हम लोगों पे ही कार्रवाई करता है, डंपर वालों पे नहीं। डंपर वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करता। तो आखिर क्या उद्देश्य माना जाए कि ये कार्रवाई इन लोगों पे नहीं? अब साहब कंपनी उनकी है, उनकी मर्जी है, काटें तो काटें, नहीं काटें नहीं काटें। तो अभी ये जो डंपर है इसकी रॉयल्टी नहीं है, अब इसका क्या होगा? इसका साहब हम सब बजरी वालों ने रोक रखा है इसको, डंपर को सभी बजरी वाले साथ में, और अगर इसकी रॉयल्टी हो तो प्रशासन चेक करे साहब इसको। लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो ये अनवैलिड आ रहा है, तो साहब इसका बैलेट तो खनिज विभाग इसकी चेक करे साहब। हमारी तो चेक करता है, हमारे राज साथ कर देते हैं ट्रैक्टर, हमारे ऊपर FIR हो जाती है, जेल जाना पड़ता है, मगर कंपनी अपनी मनमानी कर रही है साहब। रेत विक्रेताओं को धमकाने के अंदाज में रेत ठेकेदार बात कर रहा था, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब डंपर को अगर रोका तो डंपर के पीछे बांधकर तुम लोगों को घसीटता हुआ ले जाऊंगा। यह घटना कैंट थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई, परंतु शायद पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना ही नहीं होगी। सोचने वाली बात यह है कि खनिज अधिकारी के मौके पर पहुंचने से पहले रेत ठेकेदार वहां पर पहुंच जाता है और अपने गुंडों के दम पर फुटकर विक्रेताओं को धमकाते हुए अपने अवैध डंपर को वहां से ले जाता है। इस संबंध में जब खनिज अधिकारी से बात की जाती है तो वह भी वही करते हैं जो हमेशा से होता आता है। इसे सीधे साधे शब्दों में कहा जाता है लीपापोती। संबंधित अधिकारी पूरे मामले से या तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, या फिर जानकारी न होने की बात कहते हैं, या फिर कहीं व्यस्तता होने का बहाना बना देते हैं। शायद यह इसलिए ताकि मामला ठेकेदार खुद ही निपटा ले। प्रदेश के मुखिया प्रदेश में अवैध कारोबारों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, परंतु यहाँ पर इन आदेशों का कोई अमल नहीं होता। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।